चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आ चुका है और ये चांद की धरती पर एक्सप्लोर कर रहा है। इसरो लगातार प्रज्ञान पर नजर बनाए हुए है। लैंडिंग के बाद से विक्रम चंद्रमा की सतह की कई तस्वीरें और वीडियो ले रहा है और उन्हें शेयर कर रहा है, जिसमें लैंडिंग साइट का एक हिस्सा, उसका अपना मेटल का चिन्ह और उसकी छाया दिखाई देती है। साथ ही रोवर प्रज्ञान के रैंप से नीचे उतरने और आगे बढ़ने के वीडियोस भी सामने आए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की। लैंडर और प्रज्ञान रोवर की लाइफ एक चंद्र दिवस है, यानी पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। टचडाउन के कुछ घंटों बाद ही रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला था। इसके बाद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी की जांच करने के लिए एक अभूतपूर्व मिशन पर निकल पड़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस महत्वपूर्ण विकास को साझा करने के लिए रविवार को ट्वीट किया। इसरो ने ट्वीट करते हुए खुलासा किया कि चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा की मिट्टी का तापमान प्रोफाइलिंग किया है, जो अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहला उदाहरण है जब इस तरह का विश्लेषण किया गया है। रोवर ने सतह के नीचे के तापमान में भिन्नता का पता लगाया है, जिसमें 10 सेंटीमीटर तक का अंतर था। इसरो ने अपने ट्वीट में कहा, पहली बार दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास चंद्र रेजोलिथ का तापमान प्रोफाइलिंग किया गया है, क्योंकि ये किसी भी देश की ओर से दक्षिण ध्रुव के पास पहली सॉफ्ट लैंडिंग है। इसरो ने 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान रेंज को दर्शाने वाला एक ग्राफ भी साझा किया, जो चंद्रमा की सतह के थर्मल व्यवहार को दर्शाता है। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया, चास्टे पेलोड चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के सभी किनारों के आसपास ऊपरी रेजोलिथ के थर्मल प्रोफाइल को समझने के लिए चंद्र सतह के थर्मल व्यवहार को मापता है। ये तापमान की जांच के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है जो गहराई तक पहुंचने में सक्षम है, सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे तक। यानी कि इस उपकरण के जरिए चांद की सतह के 10 सेंटीमीटर तक नीचे पहुंचा गया और उसके बाद तापमान की स्टडी की गई है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शनिवार को कहा था कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 में से 2 उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे उद्देश्य के तहत वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इसरो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चंद्रयान 3 मिशन इसके 3 उद्देश्यों में से चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन पूरा हो गया है। चंद्रमा पर रोवर के घूमने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। तीसरे उद्देश्य के तहत वैज्ञानिक प्रयोग जारी है और इसी वैज्ञानिक प्रयोग के तहत रोवर प्रज्ञान ने ये जानकारी भेजी है। मतलब इसरो का भेजा गया ये मिशन सफल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।